नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, जब किस्मत मेहरबान हो तो गली का कुत्ता भी पहलवान। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मौका सबको नहीं मिलता है, सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। दोस्तों, आपके चंद्र राशि पर आधारित इस दिन की सटीक जानकारी देने वाला हूँ कि आज आपको क्या क्या खुशखबरी मिलेगी और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपकी लव लाइफ, स्वास्थ्य, कैरियर और व्यापार व्यवसाय में क्या क्या लाभ होंगे, आपके दैनिक दिनचर्या में, आपके घर परिवार के माहौल में क्या क्या सुधार होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, इस बात की गारंटी देती हैं कि आपकी समय की बर्बादी नहीं होगी। तो चलिए मित्रों, अपना जीवन का कीमती समय को निकालकर इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो उससे पहले, जो भी भक्त वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हनुमान, जय बजरंग बली लिखेगा, उन्हें भगवान संकट मोचन बजरंग बली का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आप जरूर लिखिएगा, भगवान बजरंग बली आपके सारे दुश्मनों को अंत करेंगे। तो आप अवश्य लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं गुरु जी के एक बहुत ही बड़े सुंदर अनमोल विचार से। जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। दोस्तों, बात अगर आपको समझ आई और इन बातों से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में कहिएगा राधे राधे, जय हो सावरिया शेठ की। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, इस समय ग्रह स्थिति काफी संतोषजनक है, हर काम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होते जाएंगे। कुछ लोग आपके खिलाफ थे, आज आपकी बेगुनाही उनके सामने होगी और संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे, उन्हें मधुरता आएगी। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय हाथ में आई उपलब्धियों को तुरंत जो है हासिल करें। ज़्यादा सोच विचार करने से मौके आपके हाथ से निकल भी सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस समय दिखावे के चक्कर में अधिक धन खर्च करने या फिर कर्ज लेने से आपको बचना होगा, नहीं तो बाद में आपकी परेशानी हो सकती है। साथ ही अगर किसी से कोई वादा किया हुआ है तो उसे अवश्य पूरा करें, अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है। आप कुछ समय धन का निवेश करना चाहते हैं तो आपको दोगुना लाभ देगा, आप इस समय बिल्कुल कर सकती हैं। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय कुछ दिक्कतें आने के बावजूद नकारात्मक है आपकी दूर रहेगी और सकारात्मक जरिए और संतुलन सोच विचार के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और अपने कामों को समय पूरा करने में सक्षम रहेंगे। भावुकता की बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण आपकी तरक्की में सहायक रहेगा और किसी भी नए माहौल में अपना आत्मविश्वास खो जाने की बजाय स्ट्रांग होकर रहें और किसी भी प्रकार के नए निवेश को फिलहाल टाल दें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। भाइयों के साथ चल रहे किसी संपत्ति या बंटवारे संबंधित विवाद हो, किसी भी मध्यस्थता से हल करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय कोई उधार दिया हुआ पैसा या रुका हुआ पैसा वापसी हो जाने से आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आर्थिक समस्या के हल हो जाने से सुकून मिलेगा तथा किसी धार्मिक स्थल पर जाने से मानसिक शांति मिलेगी और दोबारा से अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय किसी भी विपरीत परिस्थिति में नकारात्मक बने रहना तथा मनोबल गिरने ना देना
कभी कभी आपका कुछ ध्यान गलत कार्यों की ओर प्रेरित कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना और जिसकी वजह से समाज में अपयश और मनहानि की संभावना बन रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय शेयर्स अथवा रिस्क प्रवृत्ति वाले कार्यों अभी आप स्थगित ही रखें। आपके साथ धोखा या विश्वासघात होने की स्थिति बन रही है। आय की स्थिति आपकी बेहतर होगी, परंतु साथ ही खर्च भी आपके बने रहेंगे। नौकरी में किसी प्रकार के परिवर्तन या तबादले की स्थितियां बन रही है। आपको समय ज़्यादा सोच विचार करने से बचना होगा और कोई भी फैसला दिल की बजाय दिमाग से लें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेंगे तो आपके लिए गलत साबित हो सकता है, इस बात का आपको भी ध्यान रखना होगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, यह समय व्यक्तिगत तथा पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में देखिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। साथ ही सहयोगियों और कर्मचारियों का भी सहयोगात्मक रवैया रहेगा, परंतु कानूनी या निवेश संबंधित जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय आपके व्यवसाय में अपनी कुछ कार्य योजना कुछ देखिए बदलाव लाना बेहद जरूरी है, जिससे कि और अधिक है बेहतर परिणाम आपको हासिल हो सके। हालांकि गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को जल्द ही स्थान परिवर्तन के बने रहना होगा, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर के लिए जो समय होंगे, यह समय व्यावसायिक गतिविधियों में परिवार के वरिष्ठ जनों की सलाह अवश्य लें, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। काम में बढ़ोतरी देगी और लेन देन संबंधी कामों में अचानक ही कोई फायदा होगा। सरकारी सेवारत लोगों को दूर दराज के क्षेत्र में जाना पड़ सकता है, जो कि लाभ की स्थिति बनेगी। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके बिजनेस के लिए जो समय होंगे, यह समय कार्य क्षेत्र में वर्तमान में जैसा चल रहा था उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। किसी भी तरह का परिवर्तन करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। यह समय निवेश करने के लिए आपके पक्ष में है, साथ ही बाहरी गतिविधियां आपके लिए फायदेमंद रहेगी। जो आप इस समय निवेश करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, आपको लाभ देगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय बच्चों से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा और घर में मेहमानों का भी आगमन वातावरण और अधिक खुशनुमा बनाकर रखेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, यह समय पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। नज़दीक व्यक्ति के साथ कोई मेल मिलाप जैसा प्रोग्राम भी बन सकता है, इस बात का आपको समय ध्यान रखना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी हेल्थ यानी कि सेहत को लेकर बात करें तो यह समय स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, परंतु मौसम के विपरीत और खान पान की वजह से पेट से संबंधित किसी भी तरह की देखिए दिक्कत हो सकता है। आपको समय दिक्कत हो सकता है और आपको इस समय अपनी सेहत के प्रति सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं शुभ रंग और शुभ अंक की। तो आज आपका शुभ रंग गुलाबी कलर है, भाग्यशाली अंक आज आपका 8 है। दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा।